आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रसिया की MIL MI-28 और अमेरिका की AH-64D अपाचे 64E अटैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं आगे इन दोनों अटैक हेलीकॉप्टर्स की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। MIL MI-28 जो कि एक अटैक हेलीकॉप्टर है, इसे 15 अक्टूबर 2009 को प्रस्तुत किया गया था। वहीं अपाचे भी एक अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे अप्रैल 1986 को प्रस्तुत किया गया था। MIL MI-28 को MIL कंपनी जो कि एक रसिया की कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया है। वहीं अपाचे को वर्तमान में बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। MI-28 की लंबाई की बात करें तो 17.01 मीटर, ऊंचाई 4.88 मीटर, मेन रोटर डाया 17.2 मीटर है। वहीं अपाचे की लंबाई 17.06 मीटर, ऊंचाई 3.87 मीटर, मेन रोटर डाया 14.63 मीटर है। MIL MI-28 की वजन की बात करें तो इसका एम्प्टी वेट 8,590 किलोग्राम, ग्रॉस वेट 10,700 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 11,500 किलोग्राम है। वहीं अमेरिका की अपाचे की वजन की बात करें तो इसका एम्प्टी वेट 5,165 किलोग्राम, ग्रॉस वेट 8,006 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 10,433 किलोग्राम है। MI-28 की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 435 किलोमीटर दूर तक जा सकती है, साथ ही साथ 5,700 मीटर ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। वहीं AH-64D अपाचे की रफ्तार 293 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 476 किलोमीटर दूर तक जा सकती है, साथ ही साथ यह 6,100 मीटर ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने के लिए दो पायलट्स की जरूरत पड़ती है। MI-28 को शक्ति प्रदान करने के लिए इसमें दो टर्बोसॉफ्ट इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो कि 2,194 हॉर्स पावर की है। वहीं अपाचे को शक्ति प्रदान करने के लिए इसमें दो जनरल इलेक्ट्रिक की टर्बोसॉफ्ट इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो कि 1,890 हॉर्स पावर की है। रसिया की MIL MI-28 में लगे हुए कुछ अस्त्र शस्त्र की बात करें तो इसमें एक 250 राउंड वाली चेन माउंटेड गन लगाई गई है, साथ ही साथ इसके हार्ड पॉइंट्स में बॉम्ब्स, रॉकेट, मिसाइल्स और गन पोर्ट्स लगाने की जगह रखी गई है, जिसमें कि 16 अटकावी एंटी टैंक मिसाइल्स और 8 रॉकेट्स लगाने की क्षमता है, या फिर गन पोर्ट्स या 8 एयर टू एयर मिसाइल्स लगाने की जगह मौजूद है। इसमें लगाए गए सेंसर और रेडार्स की जानकारी साझा नहीं की गई है। वहीं अपाचे में भी कुछ अस्त्र शस्त्र लगाए गए हैं जिसमें एक 30 mm वाली चेन गन जो कि 1,200 राउंड की होती है, साथ ही साथ इसमें मिसाइल्स और रॉकेट्स लगाने के लिए हार्ड पॉइंट्स भी हैं, जिसमें कि हाइड्रा 70 mm की एयर टू ग्राउंड रॉकेट्स और एयर टू एयर स्टिंगर स्पाइक मिसाइल्स लगाने की जगह मौजूद है। इसमें कुछ रडार्स भी लगाए गए हैं जिसमें कि लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप जर्मन की बनाई हुई लॉन्गबो फायर कंट्रोल रडार लगाया गया है जो कि सिर्फ AH-64D और AH-64E में ही लगाए जा सकते हैं। रसिया की MIL MI-28 की कुल संख्या 112 है और 105 अभी ऑर्डर्स पर है। वहीं अमेरिका की AH-64D अपाचे की कुल संख्या 792 है जो कि MIL MI-28 के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आगे शेयर जरूर करें और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे कॉमेंट करना ना भूलें कि इन दोनों हेलीकॉप्टर्स में आपको सबसे ज्यादा शक्तिशाली हेलीकॉप्टर कौन सा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।